आयुर्वेद समाधान को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर आप प्रेस कीजिए जो घंटी का निशान है, जिससे जो भी नए वीडियो हैं आपको मिलते रहें और आप उनको देखते रहें। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको पपीते के फायदे बताएंगे, पपीते खाने का समय बताएंगे और पपीते खाने से जो नुकसान है उन पर भी गौर करेंगे। दोस्तों पपीता एक ऐसा फल है जो आपको कहीं भी कभी भी आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके घर के सामने कुछ जमीन है तो आप इसका पेड़ भी लगा सकते हैं। ये एक ऐसा फल है जिसे कच्चा होने पर भी इस्तेमाल में लाया जाता है और पकने के बाद तो सब लोग इसे खाते ही हैं। इसका छिलका मुलायम होता है, आसानी से उतर जाता है। इसे काटने से इसके भीतर छोटे छोटे काले रंग के बीज होते हैं, वो भी स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत फायदेमंद होते हैं। चलिए आज तो हम पपीते के फायदे देखेंगे। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। पपीते में उच्च मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, साथ ही ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। अपने इन्हीं गुणों के चलते ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में काफी असरदार होता है। अगला है वजन घटाने में। एक मध्यम आकार के पपीते में 120 कैलोरी होती है। ऐसे में अगर आप वजन घटाने की बात सोच रहे हैं तो अपनी डाइट में पपीते को जरूर शामिल करें। इसमें मौजूद फाइबर्स वजन घटाने में मददगार होते हैं। अगला है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो तो बीमारियां दूर रहती हैं। पपीता आपके शरीर के लिए आवश्यक विटामिन सी की मांग पूरा करता है। ऐसे में अगर आप रोज कुछ मात्रा में पपीता खाते हैं तो ये आपके बीमार होने की आशंका को कम कर देगा। अगला है आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। दोस्तों पपीते में विटामिन सी तो भरपूर होता ही है, साथ ही विटामिन ए भी भरपूर होता है। विटामिन ए आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है, साथ ही बढ़ती उम्र की जो समस्याएं हैं उनके समाधान में भी पपीता कारगर है। अगला है पाचन तंत्र को सक्रिय रखने में। पपीते के सेवन से पाचन तंत्र सक्रिय रहता है। पपीते में कई पाचक एंजाइम होते हैं, साथ ही इनमें कई डाइट्री फाइबर होते हैं जिसकी वजह से पाचन क्रिया सही रहती है। अगला है पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द में। जिन महिलाओं को पीरियड के दौरान दर्द की शिकायत होती है उन्हें पपीते का सेवन करना चाहिए। पपीते के सेवन से एक ओर जहां पीरियड साइकिल नियमित रहता है वहीं दर्द में भी आराम मिलता है। चलिए ये हमने फायदे देखे, अब हम देखते हैं पपीता खाने का सही समय। यदि आप भी पपीता खाने के शौकीन हैं तो इसको नाश्ते में जरूर खाएं, क्योंकि पपीता हमारे पेट के लिए अच्छा माना जाता है। इसलिए अगर आप नाश्ते में इसे खाएंगे तो न केवल ये आपको तरोताजा रखता है बल्कि पाचन तंत्र को भी कंट्रोल में रखता है। पपीता खाने के सही समय की अगर बात की जाए तो सुबह 5 बजे से 9 बजे तक का जो समय है वो पपीते के लिए बहुत उपयोगी होता है। अब पपीते के नुकसानों की बात करते हैं। दोस्तों ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि पपीते के बीज और जड़ भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पपीते में लेटेक्स की हाई मात्रा होती है जो गर्भाशय की सिकुड़न का कारण बनती है। पपीते में मौजूद पेपेन शरीर की उस झिल्ली को भी नुकसान पहुंचा सकता है जो भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक है। बात करेंगे पाचन मुद्दों की। दोस्तों ये सबको पता है कि पपीता पेट और कब्ज के लिए बहुत फायदा करता है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो ये आपका पेट भी खराब कर सकता है, क्योंकि पपीते की भारी त्वचा में लेटेक्स होता है जो पेट को अपसेट कर सकता है और पेट दर्द का कारण भी बन सकता है, लेकिन तब जब इसको बहुत ज्यादा मात्रा में आप खाते हैं। बात करेंगे ब्लड शुगर वाले मरीजों के लिए। पपीता ब्लड शुगर के लेवल को कम कर सकता है तो डायबिटीज के रोगियों के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे में अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो आप डॉक्टर की परामर्श के बाद या वैद्य की परामर्श के बाद ही पपीता खाएं, और हम तो कहते हैं कि आप पपीता ना ही खाएं तो अच्छा रहेगा। बात करेंगे एलर्जी की। पपीते में मौजूद पेपेन से एलर्जी होने की संभावना होती है। इसके सेवन से रिएक्शन के तौर पर सूजन, चक्कर आना, सिरदर्द, चकत्ते और खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बात करेंगे श्वसन विकारों की। पपीते में मौजूद एंजाइम पेपेन को संभावित एलर्जी भी कहा जाता है। अत्यधिक मात्रा में पपीते का सेवन अस्थमा, कंजेशन और जोर जोर से सांस लेना जैसी विभिन्न श्वसन संबंधी समस्याओं के जो विकार हैं उनको पैदा कर सकता है। इसलिए दोस्तों इसे सावधानी से खाएं। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।